ईरान को मुंहतोड़ जवाब देगा इजराइल, हमले से पहले दोस्तों से मांगा साथ। ब्रिटेन और फ्रांस के कदम की मिडिल ईस्ट में चर्चा, भारत के रुख पर दुनिया की नजर। अमेरिका ने बनाया मास्टर प्लान, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की से हो गई पूरी बात। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर अचानक हमला हुआ, जिसमें ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। इस हमले का आरोप इजराइल पे लगा, लेकिन इजराइल ने इसकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले को लेकर अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी, हालांकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल को इजराइल ने रोक दिया। बड़ी बात यह है कि इजराइल ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरान के डायरेक्ट हमले के बाद इजराइल में रविवार को इजरायली वार कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें इस बात की सहमति बनी गई कि इजराइल काउंटर अटैक करेगा, लेकिन अभी तक हमले के टाइम के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं इजराइल का साथ देने के लिए इजराइल के विदेश मंत्री ने ब्रिटिश सचिव और साथ साथ फ्रांस के विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया है। इसके साथ साथ जो उसके अन्य मित्र देश हैं उन्हें भी लगातार संपर्क कर रहा, ताकि इस हमले के बाद जो विदेशी नीति चले उस पर उसे साथ मिले। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि हमारा देश इजराइल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अपने सहयोगी देश की मदद के लिए अमेरिका ने इजराइल के पड़ोसी इस्लामिक देशों से बातचीत करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रविवार को ही जॉर्डन, सऊदी अरब, साथ साथ मिस्र और तुर्की के समकक्षों के साथ साथ अलग अलग कॉल पर इजरायली और ईरान हमले पर चर्चा की है। इन देशों के साथ बातचीत में ईरान ने एक बात दोहराई कि अमेरिका देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन इजराइल की रक्षा के लिए समर्थन जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले में भारत के रुख की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को इजरायली समकक्ष कॉर्ज और साथ साथ ईरानी समकक्ष के साथ फोन पर बात की थी, और इसके बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने घटनाक्रम पर अपनी चिंता शेयर की है, व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की है, साथ साथ तत्काल तनाव कम करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम इजरायल और ईरान के बीच शत्रुता से ज्यादा चिंतित हैं, इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने सभी से हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते से वापस आने की अपील की है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच हुए इस युद्ध से लगातार इंडिया में सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट की जा रही है, तमाम तरह के समर्थन में और विरोध में पोस्ट लिखी जा रही है। इस पर भी भारत सरकार कड़ी नज़र बनाए हुए है। लोग कह रहे हैं कि इसका असर इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।